अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह 8.5 जो है वो हमें कंप्लीट करनी है। 8.5 जो है बच्चों, सवाल उसके बड़े इजी हैं, कॉन्सेप्ट मैंने सब पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर भी थोड़ा आइडिया दे दूंगा 8.5 में करना क्या है। एक दो किस्म के सवाल हैं 8.5 में। सबसे पहली बात, 8.5 में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जो कि आप लोग फिजिक्स में डेरिवेशन करते हुए भी यूज करते होंगे कि यार जब कोई क्वांटिटी छोटी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वांटिटी पॉइंट्स में है, फॉर एग्जाम्पल 0.01 या 0.001 कुछ भी है, तो जब आप उसका स्क्वायर करते हो या उसका क्यूब करते हो ना, तो वो क्वांटिटी और छोटी हो जाती है, तो उसका जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है कि यार उसको अगर आप इग्नोर भी कर दो ना, तो आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर आपके पास 1000 रुपए हो और आपके पास 5 रुपए आए, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपए हो और 5 रुपए आए, तो भाई वो फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वांटिटी छोटी हो, और हमने वही बात की भी है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, मतलब 1 से कम या -1 और -1 के दरमियान हो, तो तब जब आप उसका स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, तो वो और छोटी होती जाएगी, उसका इंपैक्ट और कम होता जाएगा। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए, इंपैक्ट फिर भी रहेगा ये देख लेना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करने के लिए आप उसको हटा देते हो, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू मालूम करने के लिए आपको पता नहीं कितनी नंबर ऑफ टर्म लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू छोटी हो लेकिन इंपैक्ट तो होता ही है ना उसका। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए, आसानी के लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करने के लिए आप स्क्वायर्स को और जो क्यूब पावर है उनको निग्लेक्ट कर दो आप, और आपका जो आंसर है वो आप आसानी से अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट आप मालूम कर सकते हो, और डिफरेंट आप सवाल देखोगे जिसमें बड़े आसानी से आप कर लोगे। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 1 है, तो आप स्क्वायर्स या क्यूब पावर जो है उनको आप निग्लेक्ट कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखिए, 8.5 आपने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवाता हूं आप लोगों को। 1 में आपके पास लिखा हुआ है प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ये पूरी चीज बराबर है 1 माइनस 5 अपॉन 6 नियरली। नियरली का मतलब वही ना, अप्रोक्सीमेटली आप कह लो, मतलब इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, और वो आएगा इस तरीके से कि आप स्क्वायर और क्यूब को निग्लेक्ट कर दोगे, इफेक्ट अभी भी रहेगा, बहुत कम इफेक्ट है लेकिन इफेक्ट रहेगा फिर भी। ठीक है, तो प्रूफ करने का तरीका ये होगा कि बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लो, उसी को आप सिंप्लीफाई करोगे ऑब्वियसली। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड, अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा, लेकिन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख रहा हूं इसको। रूट 1 प्लस एक्स को इस तरह लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है, और इसकी होल पावर क्या है, इसकी होल पावर 1/3 है। ये जो स्क्वायर है ये अंदर लिखा हुआ था, और ये जो क्यूब रूट है ये बाहर 1/3 आ गया। डिवीजन में क्या होगा, 1 प्लस एक्स तो अपनी जगह पे इसमें तो कुछ नहीं है, और इधर आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। अब डायरेक्ट आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो बेहतर है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वरना एक स्टेप जाया हो जाएगा। 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे ना 1/3 से, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 2/3, तो यहां पे हम 2/3 लिख देते हैं। तो अभी आपने कुछ भी नहीं किया, बस हल्की फुल्की सिंप्लीफिकेशन की है, अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, अब आप इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के काबिल हो। तो मेंशन कर देना यार, बाइनोमियल थ्योरम मैंने पहले भी बताया था, गलती भी नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा। मेंशन कर देना भाई, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ये वाली टर्म जो है निग्लेक्ट कर दोगे आप, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है। लेकिन एहतियातन अगर बाइनोमियल थ्योरम आप मेंशन कर ही रहे हो, तो एटलीस्ट 3 टर्म दिखा के तो मेंशन करो ना, लेकिन आपने स्क्वायर निग्लेक्ट कर देना, और साथ बता दोगे कि निग्लेक्टिंग स्क्वायर एन क्यूब और जो भी है ना। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख दो कि निग्लेक्टिंग हायर पावर्स, हायर पावर्स में स्क्वायर क्यूब ये सब पावर आ जाती है। तो बहरहाल आप अप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, सबसे पहले लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, बाइनोमियल अप्लाई करो, सबसे पहले आएगा 1 प्लस एन एक्स, एन है 1/2 और एक्स यहां पे एक्स ही है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में चलो इसी तरह लिख दो। तो ये पहली ब्रैकेट है, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, वो मैं आगे मेंशन कर दूंगा, क्यों, इसकी जो बाइनोमियल की अगली टर्म है वो स्क्वायर वाली होती है, और ये पहले हमने बता दिया कि हमने नियरली इक्वल साबित करना है, एग्जैक्टली इक्वल साबित नहीं करना। तो जब नियरली इक्वल साबित करना है, तो हम हायर पावर को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि सवाल में मेंशन था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो दैट्स व्हाई इसको आप निग्लेक्ट कर दोगे। आगे मैं मेंशन कर दूंगा, पहले मैं लिख लेता हूं। इसी तरह इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन यहां पे क्या है 2/3,
और x यहां पे क्या है माइनस एक्स। अगेन हायर पावर जो है उनको हम निग्लेक्ट कर देंगे। नीचे आ जाओ, वन प्लस एक्स अपनी जगह पे है प्लस, अब इस पर अप्लाई करो ये हो जाएगा वन प्लस एन, इसको रहने दो, मतलब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वैसी मैंने लगाई नहीं है यहां पे, और इसकी भी मैंने हायर पावर को निग्लेक्ट कर दिया। तो आगे आप मेंशन कर दो, ब्रैकेट में लिख दो कि निग्लेक्टिंग हायर पावर्स, कि भाई हमने हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये सिंपल केसेस आ गए। अब उसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन करो, अब हो जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन टू। अब ये पहला क्वेश्चन है तभी मैंने इस तरह किया, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट दो टर्म ये जो मैं लिख रहा हूं ना डायरेक्ट इस तरह कर दिया करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा वन, टू अपॉन थ्री को माइनस एक्स से करो तो माइनस टू अपॉन थ्री एक्स, डिनोमिनेटर में क्या होगा वन प्लस एक्स अपनी जगह पे, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन टू। अब बच्चों न्यूमिनेटर को जरा सिंप्लीफाई करना है और डिनोमिनेटर को भी करना है, वन प्लस वन न्यूमिनेटर में हो जाएगा टू, एक्स अपॉन टू माइनस टू एक्स अपॉन थ्री, तो टू और थ्री एलसीएम क्या होता है सिक्स, तो एलसीएम ले लो आप सिक्स। अच्छा टू जो है वो थ्री टाइम जाता है सिक्स पे, तो थ्री को मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, ये हो जाएगा थ्री एक्स, और थ्री जो है वो सिक्स पे टू टाइम जाता है, टू को मल्टीप्लाई करो माइनस टू एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स। कुछ भी नहीं किया, एक्स अपॉन टू और माइनस टू एक्स अपॉन थ्री, एलसीएम सिक्स आएगा, और सिंप्लीफिकेशन करोगे वो चीज आएगी, कोई नया काम नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कुछ काम करना है, वन प्लस वन टू हो जाएगा, ठीक है, यहां पे x है यहां पे x अपॉन टू है, तो सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस एक्स, टू को x से मल्टीप्लाई करो टू एक्स, इसमें ऐड करो डिवाइड पे टू कर दो, और वन को मैंने आपस में ऐड किया था वो तो टू हो गया। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ऊपर टू है इनको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन सिक्स, माइनस एक्स अपॉन सिक्स, डिनोमिनेटर में क्या होगा टू अपनी जगह पे, इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन टू। अब देखो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए ना आपको अगेन बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपने इसके बराबर प्रूफ करना है, यार ये x भी होगा शायद, हाँ x भी होगा ना यहां पर, तो जब आपने इसके बराबर प्रूफ करना है तो आपको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनोमियल में भी किस फॉर्म में, इस फॉर्म में वन प्लस एक्स की फॉर्म में, तो आप क्या करो न्यूमिनेटर में टू कॉमन ले लो, मैं यहां पर आगे लिख देता हूं, आप टू कॉमन लो ऊपर, जब आप टू कॉमन लोगे पहले टर्म में वन बचेगा, मैंने वही बात बताई थी कि जब जबरदस्ती आप टू कॉमन लेते हो, अभी हमने डिस्कस किया ये 8.4 में, जब जबरदस्ती कोई चीज कॉमन लेते हो ना तो वो डिवाइड हो जाती है, अब इसके अंदर टू कॉमन नहीं आ रहा, मैं जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूं, तो टू नीचे आप डिवाइड कर दो, तो जब टू नीचे डिवाइड वाला इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में जब दोबारा मल्टीप्लाई करोगे सेम वही चीज आ रही होगी, टू को वन से करो टू, टू को माइनस एक्स अपॉन 12 से करोगे टू वन जा टू, टू सिक्स जा 12, अगेन वही चीज आ रही होगी। इसी तरह नीचे भी वही काम करो, टू कॉमन लो, वन प्लस थ्री एक्स अपॉन फोर आ जाएगा, तो जबरदस्ती का टू था और नीचे से मल्टीप्लाई के फोर हो जाएगा, टू से टू कैंसिल कर दो, एक तो ये बात, दूसरी बात जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन 12, नीचे वाली चीज को जब ऊपर लेकर आओगे, नीचे देखो उसकी पावर वन है, ऊपर जब आएगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों नेगेटिव हो जाएगी। अब इस पर तो कुछ नहीं करना, उस पर अगेन बाइनोमियल थ्योरम आपने अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करोगे अगेन अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगी, लेकिन आपने हायर पावर को निग्लेक्ट करना है, तो जस्ट शुरू की दो टर्म जो है वो कंसीडर करोगे स्क्वायर क्यूब वो सबको आप निग्लेक्ट कर दोगे, तो दो टर्म कंसीडर करो क्या होगा, सबसे पहले वन, फिर होता है एन एक्स, एन यहां पे क्या है बच्चों, एन यहां पे माइनस वन और एक्स यहां पे क्या है थ्री एक्स अपॉन फोर, दैट्स इट, दो टर्म ही लिखनी है ज्यादा नहीं लिखनी है, तो सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन 12, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री एक्स अपॉन 4। पहला सवाल है, दैट्स व्हाई बेसिक स्टेप में लिख रहा हूं, यार देख लेना बोर्ड मेरा कम है तो ऑर्डर देख लेना, आप अपने पेपर में नीचे करना है, आगे सामने मैंने कुछ नहीं करना, उसके बाद काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मल्टीप्लाई कर दो, वन को वन से करो वन हो जाएगा, वन को माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर से करो माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर हो जाएगा, अच्छा माइनस एक्स अपॉन 12 को वन से करो माइनस एक्स अपॉन 12, और माइनस माइनस पॉजिटिव एक्स को थ्री एक्स से करो थ्री एक्स स्क्वायर, और 12 को 4 से करो 48। अगेन स्क्वायर वाली टर्म है, हमने पहले ही तय कर लिया था कि स्क्वायर क्यूब इन सबको हमें निग्लेक्ट करना है, तो आप इसको क्या कर दोगे निग्लेक्ट, चाहो तो नीचे लिख दो कि निग्लेक्ट दिस टर्म, दैट्स इट, निग्लेक्ट लिख दो पता, बाकी जो बची है उनको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तीन टर्म बची है, वन को तो अपनी जगह पे रहने दो, माइनस कॉमन ले लो, तो
तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 12। एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम आएगा 12, थीटा जाता है ये हो जाएगा 9x, ये तो वन टाइम ही जाएगा, ये हो जाएगा x। तो सॉल्व करना ये हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 12, और 10x अपॉन 12 को सिंप्लीफाई करो, 5, 2 5 10, 2 6 12, तो सॉल्व करो ये हो जाएगा 1 माइनस 5x अपॉन 6, जो कि बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो आपको सवाल में प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये बच्चों एक सवाल मैंने काफी डिटेल में बताया कि क्रम खोल खोल के आप लोगों को पूरा बताया है। अब नेक्स्ट टाइम जब ये सवाल आएगा तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्टेप मिस करके करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर वन जो है ना, क्वेश्चन नंबर टू का, तो यार ये बिल्कुल इसी टाइप का जो हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया, हल्का फुल्का फर्क होगा लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं है। आप लोग ट्राई करना इसको, जहां पास डिस्कस कर लेना, मेरे पास उतना टाइम नहीं, मैंने आप लोगों को बहुत दफा बताया गाइड ले लो आप, एक तो जो मैं होमवर्क देता हूं, आप लोग कहीं किसी स्टेप में फंसो तो आप गाइड से थोड़ी हेल्प ले लेना, पूरा गाइड पर रिलाई नहीं करो क्योंकि कभी मेथड उनके काफी फजूल से होते हैं, लेकिन किसी सवाल में अगर फंस रहे हो जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो आप गाइड से भी देख सकते हो। तो काफी इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना, जो पार्ट नंबर टू है ना उसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगे उसके ऊपर। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू करवा रहा हूं। पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है, 9 प्लस 7x टू द होल पावर 1/2 -16 प्लस 3x टू द होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5x। करना क्या है इसमें, If x be so small that its square and higher powers may be neglected, find the approximate value. आपको इसकी approximate value मालूम करनी है, given that कि आपने higher powers को neglect कर देना। Higher powers मतलब square, cube, ये सब power neglect हो जाएंगे। तो जरा आपने इसकी value कैसे निकालनी है वो देख लो। तो पहले left hand side पे सवाल copy कर लो, फिर हम equal की बात follow करते जाएंगे। मैं इसको पहले copy कर देता हूँ। 1 upon 4, 4 plus 5, that's it. अब इसकी जरा वैल्यू निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले बाइनोमियल इस पे अप्लाई करोगे ना, तो बाइनोमियल में पहले टर्म वन करते हैं आप सिंपलीफिकेशन के लिए, आसानी के लिए। तो अब मैं डायरेक्ट वन कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी देखा था, लेकिन मैं आपको एक टर्म का बता देता हूं, दूसरी का खुद ही समझ जाना। कि जैसे 8.4 में आप क्या करते थे, आप 9 कॉमन लो, पहले टर्म में से 1 बचेगा, दूसरी टर्म में से 7x अपॉन 9 आएगा, और इसके ऊपर होल पावर क्या है 1/2, फिर ये पावर 9 जो है ये इसके ऊपर भी आती है, और ये 1 प्लस 7x अपॉन 9 के ऊपर भी आती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेप में 9 की पावर 1/2 सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 आ जाएगा, तो ये सिचुएशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला स्टेप जो है ना ये लिखवा रहा हूं कि जब आप कॉमन लेके आओगे स्टेप में, तो आपके पास होगा 9 की पावर 1/2 1 प्लस 7x अपॉन 9 की पावर 1/2। तो पहली टर्म को तो सिंप्लीफाई कर लिया, दूसरी के साथ भी करोगे, जब आप 16 को कॉमन लोगे ना तो 16 की पावर 1/4 आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 3x अपॉन 16 टू द होल पावर 1/4, और 4 प्लस 5x जो है ये अपनी जगह पे आ गए। अब मजीद एक स्टेप और कर लेते हैं, या एक काम करो आप बाइनोमियल थ्योरम भी मेंशन कर दो, वो भी अप्लाई कर लेंगे। तो मेंशन करो भाई 1 प्लस x की पावर n होता है 1 प्लस n x plus n n-1/2 factorial x square ... ठीक है। तो बार मेंशन कर दिया आपने, उसके बाद सॉल्व करो, 9 की पावर 1/2 3 होता है, और आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो इसके ऊपर। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, शुरू की दो टर्म आपने अप्लाई करनी होती है बच्चों, मतलब 1 और nx, ये दो टर्म ही अप्लाई करनी है, हायर पावर को तो निगलेक्ट कर रहे हो। तो पहले वाले पे अप्लाई करते हैं, 1 आ जाएगा, फिर है nx, n है बच्चों 1/2 और x है यहां पे 7x/9, दैट्स इट, हायर पावर आपने निगलेक्ट कर दी, तो पहली वाली चीज आपकी जान छुट गई। 16 की पावर 1/4 क्या होता है भाई, 16 को आप देख सकते हो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और 1/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, सिंपल 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, और बाइनोमियल लगा इसके ऊपर 1 प्लस n x, ये आ गया। अच्छा जी, डिनोमिनेटर में तो सेम है, उसको तो फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो जो ऊपर लेके जाना होगा तब हम कुछ कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप के साथ, अगले स्टेप में लेके जाएंगे। बाद अभी 3 है, ये हो जाएगा 1 प्लस 7x अपॉन 18 -2, ये हो जाएगा 1 प्लस 3x अपॉन 64। सॉल्व करो बच्चों, 3 1 3 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 3 6 18, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन 16, -2 को मल्टीप्लाई करो, -2 को 1 से करो, -2 को 64 से करोगे तो 32 बच जाएगा, तो -3x अपॉन 32, और नीचे क्या है
फोर प्लस फाइव एक्स। अब उसके बाद क्या करना है, थ्री माइनस टू क्या होता है वन, तो ये बना देगा सेवन एक्स अपॉन सिक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन थर्टी टू। इसको जरा मैं साथ लिख लेता हूं, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, माइनस थ्री एक्स अपॉन थर्टी टू और डिवीजन में फोर प्लस फाइव एक्स। एक काम करो, फोर प्लस फाइव एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, फोर कॉमन ले लो, फोर कॉमन लो तो वन प्लस फाइव एक्स अपॉन फोर आ जाएगा। अभी फिलहाल काम नहीं है, जो ऊपर सिंप्लीफिकेशन होती है फिर ऊपर ले जाते हैं इसको। अभी फिलहाल ऊपर क्या होगा, ऊपर सबसे पहली बात देखो 32 और 6 इसमें तो एलसीएम नहीं आएगा, 64 96 इनका एलसीएम है तो 96 हो जाएगा। 6 96 पे कितने टाइम जाएगा, 16 टाइम जाएगा। 16 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 105 112 112x, और ये तो 3 टाइम जाएगा माइनस 9x और नीचे 4 1 प्लस 5x अपॉन 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम इसको ऊपर ले जाते हैं तो एक तो ऊपर 1 बचा हुआ है, अच्छा जी 112x माइनस 9x ये हो जाएगा 103x, तो 103x डिवाइडेड बाय 96 ये ऊपर बचा हुआ है। मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, नीचे से चीज ऊपर ले आते हैं तो 4 ऊपर आएगा तो या 4 को बाहर लिख दो, ये जो नीचे वाला 4 है ना इसको आप 1 अपॉन 4 करके बाहर लिख दो और सिर्फ ब्रैकेट को ऊपर ले आओ तो ये ऊपर आके पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव 1 हो जाएगी। ये जो 4 डिनोमिनेटर में था एज इट इज बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व किस तरह करोगे इसको तो आप अपनी जगह पे रहने दो, कैलकुलेशन में देख लेना है तो मिस्टेक आपने तो खाली देखोगे, मैं सवाल करवा लूं फिर देख लूंगा शायद कि मिस्टेक कैलकुलेशन में हो सकती है। बारह इस पे अगेन आप बाइनोमियल अप्लाई करो 1 प्लस एन एक्स तो क्या होगा, ये 1 प्लस एन, एन देखो यहां पे नेगेटिव है तो माइनस 1 और एक्स यहां पे क्या है 5x अपॉन 4 तो एन नेगेटिव 1 और एक्स यहां पे क्या 5x अपॉन 4। सॉल्व करो इसको, 1 1 1 ये हो जाएगा माइनस 5x अपॉन 4 प्लस 103x अपॉन 96 और इसको स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेग्लेक्ट आपने कर देना इसको, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर आएगा नेक्स्ट स्टेप में नेग्लेक्ट करोगे तो बेहतर अभी से नेग्लेक्ट कर दो इसको। तो अब इसको क्या करना है, अब आपने बच्चों सिंप्लीफिकेशन करनी है तो बेहतर है मैं कैलकुलेटर से ही कर लूं, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप नहीं दिखाने हैं कि कैल्सियम लेने के, तो कैलकुलेटर में एक्स छोड़ दो आप, कैलकुलेटर में जस्ट आप लिखो माइनस 5 अपॉन 4 और प्लस 103 अपॉन 96 जो आंसर आएगा उसके साथ एक्स लगा देंगे तो आंसर बच्चों आ रहा है इसका 1 अपॉन 4 1 माइनस 17 अपॉन 96 एक्स याद आ रहा है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दो, आखिरी स्टेप क्या होगा, 1 अपॉन 4 को 1 से करो 1 अपॉन 4 और 4 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो 384 आएगा, ये हो जाएगा माइनस 17 अपॉन 384 एक्स। ये आपने बच्चों बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया है तो जो पूरी चीज है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई है, आगे पेपर में आप इसी तरह इक्वल कर करके रखना है। ये जो आखिरी आंसर होगा ना, जो आखिरी लिखोगे आप उसमें लेफ्ट हैंड साइड में पूरी चीज लिख लेना और आखिरी आंसर लिखना उसका डब्बा बना देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, मैं पहले सवाल लिख लेता हूं। सवाल है भाई स्क्वायर रूट एल अपॉन एल प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट एल अपॉन एल माइनस सी इक्वल टू 2 प्लस 3 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एल स्क्वायर। सवाल बाद में देखते हैं, सवाल छोड़ दो, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन तो मुश्किल चीज तो नहीं है ना, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, बाद में देखते हैं सवाल में लिखा हुआ है ना वो काम हमारे कब आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पिक करो, सबसे पहले इनकी पावर जो है ना 1/2 कर दो, आसानी हो जाएगी 1/2 पावर। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे एल अपॉन एल माइनस सी की भी पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, देखो ये पावर एल के ऊपर भी है 1/2 और जो 1/2 पावर है डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, अगर आप इसको ऊपर लेकर आओगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा एल प्लस सी, एल प्लस सी की पावर माइनस 1/2। इन्होंने क्या किया, देखो जो 1/2 पावर है एल के ऊपर भी होती है, ये 1/2 पावर डिनोमिनेटर के भी ऊपर होती है तो ये 1/2 जो एल के ऊपर है वो मैंने यहां पे लिख दी और जो डिनोमिनेटर में थी एल प्लस सी की पावर 1/2 ऊपर लेकर आओगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव 1/2। तो बस डिनोमिनेटर में ऊपर लाया, नीचे पावर 1/2 थी ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम यहां पर भी करो, एल की पावर 1/2 इसको ऊपर लेकर आओ एल माइनस सी की पावर माइनस 1/2। बाइनोमियल में आपको पता है शुरू में 1 आता है तो 1 करने के लिए क्या करो, एल को कॉमन ले लो, अगेन इसकी बैक की वर्किंग क्या होगी,
बैक पे वर्किंग ये होगी, जब आप एल कॉमन लोगे पहले टर्म में से वन बचेगा, दूसरी में से जबरदस्ती में कॉमन लिए तो आप नीचे लिख दोगे और होल पावर क्या आएगी माइनस वन अपॉन। ये बैक की वर्किंग है। इसका अगला स्टेप क्या होगा, ये एल के ऊपर भी पावर होगी माइनस वन अपॉन टू और माइनस वन अपॉन टू इसके ऊपर भी पावर होगी, ठीक है इस तरीके से आप करोगे। अब यार चीजें मैंने 8.4 से लेके बहुत दफा बताई हैं तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा इनके ऊपर। इसी तरह ये एल की पावर 1/2 है, अगेन यहां से एल कॉमन लोगे। अच्छा इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस माइनस प्लस का फर्क है, तो सेम चीजें वही होगी। इधर भी एल की पावर माइनस 1/2 और ब्रैकेट में क्या होगा, यहां पे 1 प्लस था ना, यहां पे 1 माइनस सी अपॉन एल की पावर माइनस 1/2, बाकी एग्जैक्ट वही चीज है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, देखो एल की पावर 1/2 एल की पावर माइनस 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, आपको पता है जब बेसिस सेम होती है पावर एड होती है, इसकी पावर 1/2 है इसकी पावर माइनस 1/2 है, तो जब 1/2 और माइनस 1/2 को ऐड करोगे जीरो हो जाएगा और एल की पावर 0/1 होता है, तो लिखो ना लिखो बात देखिए इस तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास बचेगा 1 प्लस सी अपॉन एल माइनस 1/2 और प्लस 1 माइनस सी अपॉन एल टू द पावर माइनस 1/2। यहां पर मेंशन कर देना है फॉर्मूला बायनोमियल का जो मेंशन करते हैं आप, वो जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे, अगेन मैं चलो अप्लाई कर देता हूं आप लोग भूल ना जाओ, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। जब अप्लाई करो अगेन हायर पावर को आपने निगलेक्ट करना है, क्यों मैं रीजन बताता हूं उसकी। सबसे पहले आप यहां पे आ जाओ, सबसे पहले रखोगे 1 फिर है n x, x यहां पे क्या रोल अदा कर रहा है c अपॉन l, यहां पे आपने रुकना नहीं है। आप क्यों रुकना नहीं है, आप जरा सवाल को देखते हैं, सवाल में क्या लिखा है, इफ c बी अ क्वांटिटी सो स्मॉल दैट c क्यूब मे बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन विद l क्यूब, तो फिर आपको प्रूफ करना है। कहना ये चाह रहे हैं कि सी क्यूब जो है वो एल क्यूब के कंपैरिजन में बहुत छोटी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल इसको लिखे किस तरह, सी क्यूब इज वेरी लेस देन एल क्यूब, दो दफा मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। अच्छा ये हमें बताना क्या चाह रहे हैं, हमें बताना ये चाह रहे हैं कि जब आप सी क्यूब अपॉन एल क्यूब करोगे ना तो ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों, न्यूमिनेटर आपका बहुत छोटा है, सी क्यूब एल क्यूब के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो आपको पता है जब न्यूमिनेटर आपका बहुत छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो आपकी फ्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 को डिवाइड करो 100 से तो जरा देखो फ्रैक्शन कितनी छोटी सी हो रही है, 0.01 आंसर आ रहा होगा, तो वही अप्रोक्सीमेटली है, इक्वल की बात नहीं कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली बात चल रही है। तो सी क्यूब एल क्यूब के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, सो स्मॉल, जब सो स्मॉल है तो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट उसको आप निगलेक्ट कर दो, उसकी कोई औकात ही नहीं है। असल बात थी ये बताना कि निगलेक्ट कर दो किसको, सी क्यूब अपॉन एल क्यूब को, तो जब आपके पास सी क्यूब अपॉन एल क्यूब आएगा उसको निगलेक्ट करोगे, यहां पे सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है उसको निगलेक्ट नहीं करोगे, ये जहन में रखना। तो पहली टर्म में तो सी अपॉन एल आ रहा है, दूसरी टर्म में, तीसरी टर्म में सी अपॉन एल का स्क्वायर आएगा उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते यहां पे, तो दैट्स व्हाई यहां पे आप तीसरी टर्म भी लिख रहे हो बायनोमियल की, क्योंकि निगलेक्ट क्यूब वाले टर्म को करना है, स्क्वायर वाले टर्म को निगलेक्ट नहीं करना। तो जब आप अप्लाई करोगे सेकंड जो थर्ड टर्म है इसकी बायनोमियल की क्या होती है, एन एन है माइनस 1/2 फिर होती है एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स का स्क्वायर, एक्स यहां पे क्या है सी अपॉन एल, तो ये हो जाएगा सी अपॉन एल का स्क्वायर। अब ये निगलेक्ट नहीं होगा, इसके बाद जो टर्म होगी ना वो होगी एक्स क्यूब, एक्स की जगह पुट करोगे सी अपॉन एल, तो ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन एल क्यूब, उसको आपने निगलेक्ट करना है। तो दैट्स व्हाई क्यूब आप कंसिडर नहीं करोगे, लेकिन इस वाले केस में स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया है कि क्यूब को निगलेक्ट करना है, वर्डिंग डिफरेंट थी लेकिन उन्होंने बता दिया क्यूब वाले को करना है, मतलब स्क्वायर को नहीं करना। नॉर्मली आप स्क्वायर को भी कर रहे होते हैं ना, वो सवाल में मेंशन होता है कि स्क्वायर या हायर पावर को, लेकिन यहां पे क्यूब वाले को आप निगलेक्ट करोगे, स्क्वायर को निगलेक्ट नहीं करोगे। तो ये मैंने इसकी लिख दी टर्म, ये जो पहली है ये इसकी आ गई है। अब जरा दूसरी की लिखते हैं, दूसरी में भी एग्जैक्ट ये होगा, बस यार साइन का फर्क है और तो कुछ नहीं है। सबसे पहले 1 लिखोगे फिर एन एक्स, एन यहां पे है माइनस 1/2 और एक्स है यहां पे माइनस सी अपॉन एल, एक्स के साथ नेगेटिव भी आप कंसीडर करोगे माइनस सी अपॉन एल, फिर होगा एन एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एक्स यहां पे क्या है माइनस सी अपॉन एल का स्क्वायर, और अगेन इसके बाद जो टर्म होंगी उनको आप निगलेक्ट कर दोगे। अब जरा ऑब्जर्व करो, ये है जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना ये होगा माइनस सी अपॉन 2l, 1 को सी से करो 2l से करो माइनस सी अपॉन 2l, जबकि ये होगा माइनस माइनस पॉजिटिव, ये होगा सी अपॉन 2l, तो माइनस सी अपॉन 2l और सी अपॉन 2l ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो
तो नेक्स्ट स्टेप में कंसिडर भी ना करो, अभी कैंसिल कर दो, क्यों अपने स्टेप बना रहे हो। तो ये दोनों तो सेम क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है, आपस में ऐड हो रहे ना तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बाकी है ना उनको आप कंसीडर करो। अब उनको किस तरह सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहली बात वन और वन इनको ऐड करो, ये तो हो जाएंगे। अगर सात लिखना चाह रहे हो भी लिख लो, जो ऐड ना करो बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉइंट टू, नीचे है टू और यहां पे हो जाएगा सी स्क्वायर एल स्क्वायर। इसी तरह इस वाली टर्म को, क्योंकि ये वाला वन आपने इसके साथ लिख दिया था, ये वाली टर्म कैंसिल, ये आपने लिख दी है पीछे, ये बचेगी। तो सेम इसका न्यूमरेटर भी यही है, माइनस वन अपॉइंट टू माइनस थ्री अपॉइंट टू डिवाइडेड बाई टू, और ये हो जाएगा, अच्छा जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो अगेन वही बात होगी सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव हो तो स्क्वायर उसका पॉजिटिव हो जाता है। तो आप एक काम करो, यहां पे सबसे पहली बात ये तो टू हो गया, ठीक है, करना क्या था मैं ही भूल गया, हाँ ये वाला टू तो देखो अपनी जगह पे आ गया, सवाल थोड़ा प्रूव हो रहा है आपका। तो आप लोग एक काम करो, यहाँ पे सी स्क्वायर एल स्क्वायर ही कॉमन ले लो, वरना शायद आप लोगों को मुश्किल लगे, क्योंकि मैं जा रहा हूं आप लोगों को इजी लगे, मुझे तो समझ आ जाएगी। सॉल्व करो, ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर, ये वाला फोर इससे मल्टीप्लाई करके थ्री अपॉन एट हो जाएगा, मतलब ऊपर माइनस माइनस पॉजिटिव, फोर इससे मल्टीप्लाई करके थ्री अपॉन एट, सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है, तो इस टर्म में से ये बचेगा, इस टर्म में से ये बचेगा, तो अगेन ये भी थ्री अपॉन एट ही होगा, सेम ही होगा। तो इस तरह कर लो, आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। और थ्री अपॉन एट को जब आप एड करोगे तो क्या होगा, एट एलसीएम आ गया, थ्री प्लस थ्री, सिंपल लैंग्वेज में हो जाएगा सिक्स अपॉन एट, सिक्स अपॉन एट को सिंप्लीफाई करो थ्री अपॉन फोर, तो ये जाएगा टू प्लस थ्री सी स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर, थ्री अपॉन फोर और सी स्क्वायर एल स्क्वायर अपनी जगह पे, ये बच्चों आपका प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर काफी इजी है समझने के लिए, आपको प्रूफ करना है ना इसमें कि प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि बी प्लस टू ए अपॉन ए प्लस टू बी ये इक्वल है क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी, नियरली लिख दो ताकि आपको बात समझ आए, नियरली इक्वल है, और गिवन क्या है कि ए नियरली इक्वल टू बी। अब मतलब इनका नजर बताता हूं आपको, सॉल्यूशन स्टार्ट करो, सबसे पहले आप लेट कर लो, मतलब प्रूफ स्टार्ट, प्रूफ बाद में स्टार्ट करते, पहले लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना है आपने यहां पे, लेट करना है कि ए बराबर है बी प्लस एच के। अब ये चीज कहां से आई है, देखो उन्होंने बताया ए नियरली इक्वल है बी के, कहने का मतलब ए और बी ऑलमोस्ट बराबर है, कुछ पॉइंट्स कुछ वैल्यू का फर्क होगा, वो जो कुछ वैल्यू है ना वो एच है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं एक वैल्यू है 0.1 और कंसिडर कर लो एक वैल्यू है 0.11, मैं आपको बोलता हूं यार ये ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, मैं कुछ तरह लिख सकता हूं ना कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ए बोल दू इसको बी बोल दू, तो ए जो है ये बराबर होगा, ए बराबर होगा किसके, जब मैं उल्टा कर देता हूं बात एक ही होगी, फॉर एग्जाम्पल बी की बात करते हैं, बी किसके बराबर होगा ए प्लस 0.01, एक मिनट मैं देख लेता हूं मैथ मेरी ठीक है ना, मैथ थोड़ी सी वीक है मेरी यार, तो 0.1 प्लस 0.01, हाँ सही है बिल्कुल। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे बी जो है 0.1 है वो किसके बराबर है, ए प्लस 0.01, मतलब इसमें और इसमें थोड़ा सा जो फर्क है वो 0.01 का है ना, ऑलमोस्ट तो इक्वल है ना लेकिन हल्का फुल्का फर्क है, आप 0.1 और 0.11 को बोलोगे ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटीज हैं लेकिन फिर भी फर्क है, और उस फर्क को आप किस तरह लिख सकते हो, आप ये कह सकते हो ए और बी ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन कुछ वैल्यू का फर्क है, कुछ वैल्यू इसमें फर्क आ रही है, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी अगर आप ए की फॉर्म में लिखोगे तो आप इस तरह लिख दोगे, बी के फॉर्म में लिखोगे जिस तरह भी तो वो कंपनसेट हो जाएगा, आप यहां पर प्लस ही लिखो, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहां पर नेगेटिव आना होगा तो एच की नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, अगर पॉजिटिव आना होगा तो एच पॉजिटिव होगा, वो एच खुद ही कंपनसेट कर लेगा, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे प्लस एच ही करोगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ए और बी अगर एग्जैक्ट इक्वल होते, रोहिणी लाइट चली गई थी, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि यार एक स्टेटमेंट होती है ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी एग्जैक्टली बराबर है, और एक स्टेटमेंट होती है ए इक्वल टू बी प्लस एच, वेयर आप लिख सकते हो कि जो एच है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, मतलब कहने का मतलब ये कि ए और बी में बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है, तो जब दो नंबर्स में बहुत ही कम डिफरेंस है तो आप उसको इस तरह लिख सकते हो कि ए बराबर है बी प्लस एच के, वेर एच जो है वो एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, अगर आप पेपर पे लिखना चाहो इस लैंग्वेज में लिख सकते हो कि एच इज सो स्मॉल,
सिंपल लैंग्वेज में। ये लिखने का फायदा क्या होगा, जब एच की हायर पावर होगी तो आप निग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है एच एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी ना कि अगर मैं देखो बहुत ही कम फर्क है, तो जो फर्क है उसको आप एच से लिख सकते हो। तो एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, जब उसकी हायर पावर होगी तो आप इग्नोर कर दोगे उसको, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो ये सब चीजें गिवन थी बच्चों, तो इसलिए मैंने जो लेट किया ना, मैंने आपको वजह बताई कि मैंने यहाँ पे ए को बी प्लस एच के बराबर क्यों लेट किया। अगर बोला जाता ना कि ए और बी में मतलब ये आपस में इक्वल नहीं, इनमें डिफरेंस है, तो इसका मतलब एच वहां पे बड़ा होता, तब भी आप ए इक्वल बी प्लस एच की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन उसमें एच बड़ा होता। यहां पे बताने का मकसद है कि एच बहुत ही स्मॉल है, मतलब ए और बी नियरली इक्वल है तो एच बहुत स्मॉल है, तो जब हायर पावर होंगी उनको आप निग्लेक्ट कर दोगे। तो खैर प्रूफ स्टार्ट आप किस तरीके से करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड यहां पे पिक करो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है बी प्लस टू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस टू बी, तो वैल्यू पुट कर दो, ए बराबर है बी प्लस एच के, यहां भी पुट कर दो, नीचे भी ए की जगह बी प्लस एच पुट कर दो, ऊपर बच्चों आ रहा है बी प्लस टू बी प्लस एच, और नीचे आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो बी प्लस टू बी ये हो जाएगा थ्री बी प्लस एच, इसी तरह बी प्लस टू बी, कोई मिस्टेक तो नहीं मैंने की, ए की जगह मैंने बी प्लस एच लिख दी है, थ्री बी प्लस एच होना चाहिए और ऊपर हाँ टू एच होना चाहिए यहां पे, ठीक है, तो ये टू एच हो जाएगा यहां पे, वरना कैंसिल हो जाता वरना आ जाता। अच्छा उसके बाद आप यहां पे क्या करो, आप यहां पे काम करो कि आप थ्री बी को कॉमन ले लो। तो जब आप ऊपर और नीचे से थ्री बी कॉमन लोगे तो होगा क्या, ऊपर से अगर आप थ्री बी कॉमन लोगे तो आपके पास ये बचेगा वन, और टू एच से आपने जबरदस्ती कॉमन लिया तो आप इसको लिखोगे टू एच अपॉन थ्री बी, जब जबरदस्ती कॉमन लेते हो तो आप डिवाइड कर देते हो। सेम काम नीचे भी करो, थ्री बी कॉमन लो पहले टर्म से वन आएगा और दूसरी टर्म जो है वो किस तरह लिख सकते हो एच अपॉन थ्री बी, तो सॉल्व करो थ्री बी तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है वन प्लस टू एच अपॉन थ्री बी, और इस वाली चीज को ऊपर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन थ्री बी और होल पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब आप इसमें लगा देना बाइनोमियल थ्योरम, अगेन शुरू के दो टर्म कंसिडर करोगे क्योंकि एच का स्क्वायर एच का क्यूब वो बहुत ही स्मॉल होगा, उसको आप निग्लेक्ट कर दोगे, आपने शुरू में ही मेंशन कर दी थी बात। तो दो टर्म डिस्कस करोगे, दो टर्म कौन सी होती हैं, दो टर्म बच्चों होती हैं वन प्लस एन एक्स, तो वन प्लस, अच्छा एन यहां पे नेगेटिव है तो माइनस, और एक्स यहां पे क्या है एच अपॉन थ्री बी, ये पूरा एक्स का रोल अदा कर रहा है, तो वन दरमियान में प्लस लेकिन एन नेगेटिव है, दैट्स व्हाई नेगेटिव आ गया, और एक्स यहां पे क्या है एच अपॉन थ्री बी, बहुत दफा मैंने आप लोगों को अप्लाई करके देखा है। अब सॉल्व करो, वन को वन से करो, ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन थ्री बी, फिर टू एच अपॉन थ्री बी, ठीक है। अच्छा जब इस वाले को से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एच स्क्वायर हो जाएगा, अगेन एच स्क्वायर आपने निग्लेक्ट करना है तो इसको स्किप कर दो, लिखना चाहो तो लिख दो एच स्क्वायर वाले टर्म लिखना, उसके बाद कैंसिल करके बोल देना निग्लेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ना लिखो क्योंकि आपने ऊपर मेंशन कर दिया तो ये बात ऑलरेडी क्लियर है। सॉल्व करो, अगर आप एलसीएम लोगे ना तो यहां से आएगा माइनस एच, यहां से आएगा प्लस टू एच, तो सिंप्लीफाई करो ये एच अपॉन थ्री बी हो जाएगा, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको एक और करने का भी तरीका है कि इसको आप वन बोल दो और फिर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, उसको भी यहां तक ले आओ, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। हमें काम करते हैं इस पूरी चीज को किसी तरह हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब प्रूफ करने के डिफरेंट तरीके होते हैं ना, एक प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करो उसको सिंप्लीफाई करो उसको वन बोल दो, राइट हैंड साइड को पिक करो सिंप्लीफाई करो उसको टू बोल दो, आप ऑब्जर्व करोगे वन और टू आपस में बराबर आ रहे होंगे। प्रूफ करने का दूसरा तरीका क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड या किसी भी एक साइड को पिक करो उसको इतना सॉल्व करो कि दूसरी साइड के बराबर आ जाए, और एक तीसरी प्रूफ करने का तरीका होता है जो पहले का ही मॉडिफाइड वर्जन है कि लेफ्ट राइट दोनों के साथ लेके चलो दोनों को सॉल्व करते जाओ, जहां पे इक्वल आ रहे हैं आपका सॉल्व प्रूफ हो जाएगा। तो दूसरा वाला मेथड है वो यहां पे कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड को इतना सिंप्लीफाई करो कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। किस तरह, ये जो चीज लिखी हुई है ना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वन प्लस एच अपॉन बी की होल पावर वन अपॉन थ्री। आप कहोगे सर कैसे, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे यूजिंग बाइनोमियल तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होगा, वन प्लस एन एक्स, हायर पावर कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि एच स्क्वायर आ रहा होगा, एच स्क्वायर हायर पावर में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो आपने निग्लेक्ट करना, हायर पावर कंसीडर नहीं करनी उसकी। तो शुरू की दो टर्म ये होंगी, तो वन प्लस एन यहां पे क्या है वन अपॉन थ्री, एक्स यहां पे क्या है एच अपॉन बी, तो देखो एक्जेक्ट वही चीज आ रही होगी वन प्लस एच अपॉन थ्री बी। तो वन प्लस एच अपॉन थ्री बी को बाइनोमियल की फॉर्म में होल पावर की फॉर्म में आप किस तरह लिख सकते हो, वन प्लस एच अपॉन बी की होल पावर वन अपॉन थ्री, ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर होगी अगर एक्स स्मॉल है, वरना बराबर नहीं होगी, ठीक है।
तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, ये तो आपको बात समझ आ गई, ये वाली चीज सेम होगी, इक्वल होगी अगर h जो है वो स्मॉल है और यहां पे है स्मॉल इनफ। अब इस वाली चीज को मेरे सिंप्लीफाई करते हैं, b को मल्टीप्लाई करो 1 से और ऐड कर दो h में, ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने शुरू में लेट किया था b plus h किसके बराबर है, a के बराबर, तो अब b plus h की जगह पुट कर दो a, ये हो जाएगा a upon b, मतलब ऊपर a आ गया नीचे b है, और ये जो 1 upon 3 है इसको आप क्यूब रूट की फॉर्म में लिख दो, तो आगे आपकी राइट हैंड साइड, नीचे आप लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज प्रूव उसी वक्त होगी जब आपने कंसीडर किया कि एस स्मॉल है, मतलब ए और बी ऑलमोस्ट इक्वल है, हल्का फुल्का उसके अंदर फर्क होगा, तब ये चीज आपस में इक्वल आ रही होगी। ठीक है बच्चों।